कनेक्शन तो दिखाई पड़ा, जंतर मंतर पर दिखाई पड़ा। अब हम बार बार नाम लें, उसमें तो सब शामिल थे ना, लेकिन उसको लीड कौन कर रहा था? लीड तो भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा कर रहे थे, प्रियंका जी आई थी। अब प्रियंका से बड़ा नाम तो और है नहीं कोई देश में, मतलब कांग्रेस का एक बड़ा नाम है। और आज जो घटनाक्रम, जो सीक्वेंस मिल रहे हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया बीजेपी में शामिल पहलवानों के विरोध से पहले ही आहत बीजेपी को हरियाणा में और नुकसान की उम्मीद नहीं। ओलंपिक में पदक नहीं जीत पाने का मलाल विनेश फोगाट को हमेशा सताएगा। उस क्षण को भुला पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन राजनीति में कदम रखने का उनका फैसला उन्हें गम भुलाने का एक रास्ता जरूर देगा। कांग्रेस से टिकट मिलने पर चुनाव में जीत का परचम लहराकर वो आगे के लिए रास्ता बना सकती हैं। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में बीजेपी सावधानी से कदम उठा रही है, क्योंकि उसे पता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव इतने करीब है कि इन दोनों के खिलाफ टिप्पणी करना पार्टी के लिए और महंगा पड़ सकता है। बीजेपी का आरोप कांग्रेस ने फोगाट और पुनिया को फंसाया। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विनेश फोगाट और पुनिया को फंसाने का आरोप लगाया, जो बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे थे। बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि ये उनके इस विश्वास का सबूत है कि विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। विनेश फोगाट बनी देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी। फोगाट के बारे में बात करते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कि अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनाना चाहती है तो हमें क्या एतराज है। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के उकसाने पर हुआ पहलवानों का आंदोलन। अनिल विज ने कहा कि दोनों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये बात साबित हो गई है कि कांग्रेस के उकसावे की वजह से ही बृजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये मामला बहुत पहले ही सुलझ गया होता। कांग्रेस पहले दिन से ही इन खिलाड़ियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस ने पहलवानों का किया राजनीति के लिए इस्तेमाल। बीजेपी हरियाणा के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि कांग्रेस ने पहलवानों का अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है, उनके विरोध से ताकत हासिल की है, लेकिन बदले में उन्हें एम्पावर नहीं किया है। पहलवानों के आंदोलन को खट्टर ने बताया राजनीति से प्रेरित। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस से जोड़ने वाला सबसे मजबूत बयान मनोहर लाल खट्टर का था, जो किसान और पहलवानों के आंदोलन के चरम पर सीएम थे। हाल ही में जब दोनों ने नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की तो मनोहर लाल खट्टर, जो अब केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान एथलीट राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए थे। उस समय जो शुरू हुआ था वो अब अपने चरम पर पहुंच रहा है। पहलवानों का विरोध राजनीति से प्रेरित था। ये लोग कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई साठ गांठ है। पहले तो ये कम स्पष्ट लग रहा था, लेकिन उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये बात साफ हो गई है। बृजभूषण शरण सिंह ने बताया, मेरे खिलाफ साजिश। इस मुद्दे पर ज्यादा बात करने से इनकार करते हुए बृजभूषण ने संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन के समय उन्होंने जो कहा था वो सच हो रहा है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक निजी स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मैंने पहले दिन जो भी कहा था
मैं उस पर कायम हूँ, यही बात आज पूरे देश में कही जा रही है। विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी को अब और नुकसान की उम्मीद नहीं। हरियाणा के एक बीजेपी नेता ने कहा कि फिर भी उन्हें नहीं लगता कि विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने से उन्हें कोई गंभीर नुकसान होगा, क्योंकि राज्य में किसान आंदोलन और पहलवानों के विरोध के कारण पार्टी को पहले ही नुकसान हो चुका है। वास्तव में नेता ने कहा कि जिस तरह से उन्हें ओलंपिक पदक से वंचित किया गया था, उसके लिए राष्ट्रीय नायक के रूप में मनाए जाने के बाद इतनी जल्दी राजनीति में उतरने के फोगाट के फैसले को लोग पसंद नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे लोग बीजेपी को वोट देंगे, नेता ने स्वीकार किया। पहलवानों का कांग्रेस में शामिल होना उनकी पर्सनल चॉइस। बीजेपी पंचकुला के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता ने पहलवानों के कांग्रेस में शामिल होने और चुनाव लड़ने के फैसले को उनकी व्यक्तिगत पसंद बताया। विनेश फोगाट ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। बजरंग पुनिया भी एक प्रसिद्ध पहलवान रहे हैं, लेकिन खेल और राजनीति अलग अलग चीजें हैं, दाव पेच अलग अलग है। मेरा मानना है कि वे राजनीति में भी कुछ अच्छा लाएंगे। महिलाओं का शोषण बंद होने तक जारी रहेगी लड़ाई। एक व्यक्ति जिसने निराश होने का संकेत दिया वो साक्षी मलिक थी, जो फोगाट और पुनिया के साथ पहलवानों के विरोध का तीसरा चेहरा थी। कांग्रेस में शामिल होने के अपने फैसले को उनकी व्यक्तिगत पसंद बताते हुए मलिक ने कहा कि मेरा मानना है कि हमें बलिदान देना चाहिए, हमारे आंदोलन महिलाओं की लड़ाई को गलत नाम नहीं मिलना चाहिए। मेरी तरफ से आंदोलन जारी है, मुझे भी प्रस्ताव मिले थे, लेकिन मैं जो शुरू किया था उसे अंत तक ले जाना चाहती थी। जब तक कुश्ती संघ साफ नहीं हो जाता और महिलाओं का शोषण बंद नहीं होगा, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद फोगाट और पुनिया ने जमकर साधा बीजेपी पर निशाना। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। विनेश फोगाट ने पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान उनका समर्थन करने के लिए कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दिया और कहा कि भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां उनके साथ खड़ी हैं। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये कहते हैं ना कि बुरे वक्त में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था तब बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां हमारे साथ थी। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी में शामिल हुई हूँ जो महिलाओं के साथ खड़ी है और सड़क से संसद तक लड़ने के लिए तैयार है। वहीं बजरंग पुनिया ने भाजपा आईटी सेल की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी दिलचस्पी सिर्फ राजनीति में थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी महिला भाजपा सांसदों को पत्र लिखकर उनके साथ खड़े होने के लिए कहा था, लेकिन वे नहीं आए। इसी तरह की और राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज।